केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद कैथल जिले के भाजपा कार्यकर्ता उत्साह में हैं। कैथल जिले में कैथल, पुंडरी, गुहला और कलायत विधानसभा सीटें आती हैं। गुहला से 2014 में भाजपा के कुलवंत बाजीगर जीते थे। बाकी तीन सीटों पर कभी भाजपा का उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। इस बार भाजपा कैथल जिले से 4 में से कम तीन सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। कैथल के विधायक रणदीप जब भाजपा की हिट लिस्ट में हैं। यही कारण है कि अमित शाह कैथल के विकास कार्य गिनवाने के साथ रणदीप जी पर तंज कसना भी नहीं भूले। आइए कैथल में अमित शाह की बात सुन लेते हैं। तो कैथल वाले हो, मोदी जी कुछ भी करे तो भाई सुरजेवाला के पेट में दर्द हो जाता है। अभी मोदी जी अमेरिका गए, हाउडी मोदी का शो हुआ, विश्व भर में नरेंद्र मोदी की तारीफों के फूल बांधे, सुरजेवाला जी के पेट में दर्द हो गया। ये दर्द की दवाई कहां से लाते हैं? बिजली की परियोजना ये जिले में करी गई 11 करोड़ रुपए की, हॉकी एस्ट्रोटर स्टेडियम इसी जिले में बनाया गया। कैथल नरवाना हिस्सा राजस्थान सीमा 4 लाख करने की शुरुआत कर दी। कैथल में एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 1 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। 30 साल बाद सबसे ज्यादा नहरों का पानी, अगर कोई एक 5 साल में मिला है कैथल को तो ये 5 साल के अंदर मिला है। 11 नए बिजली के पावर हाउस बनाए गए, सड़कों का जाल बनाया गया है। फसलों के नुकसान के लिए सबसे ज्यादा बीमा देश भर में कहीं पाता है तो कैथल के किसानों को अंदर बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक मंडियों में सहायता के दर से सबसे ज्यादा खरीदी कर दी और 70,000 से ज्यादा नौकरियां किसी भी सिफारिश के बगैर ये पूरे हरियाणा में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आने वाले 5 सालों के अंदर किसान सम्मान निधि हर किसान को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। छोटे दुकानदार और रिटेलर के लिए मोदी जी ने अलग पेंशन योजना दुकानदारों के लिए शुरू कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय बनाकर हर किसान के खेत में माइक्रो इरिगेशन ड्रिप और स्प्रिंकलर पहुंचाने के लिए हरियाणा की नई सरकार जो बनने वाली है वो कटिबद्ध है। ये विकास की जो यात्रा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, इसको गति देने का काम आप लोगों को करना है। लगभग हरियाणा के 10 लाख किसानों का 4700 करोड़ से ज्यादा ब्याज और जुर्माना माफ किया। किसानों के मुआवजे की रकम 7,000 से बढ़ाकर 12,000 करोड़ की। देश का पहला राज्य है जिसमें भावांतर भरपाई योजना के तहत टमाटर और आलू को भी शामिल करने का काम यहां पर किया गया है। ये खिलाड़ियों का प्रदेश है। राय में नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई। हर सरपंच आज पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई राज्य है तो मेरा हरियाणा सबसे पहला राज्य है जहां सरपंच पढ़े लिखे बैठे हैं। हर गरीब परिवार को एक नौकरी दी गई है। खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के लिए भर्ती में प्रमोशन प्रायोरिटी दी गई है। 18,000 ग्रेड 4 के कर्मचारियों को इंटरव्यू के बगैर कोई सिफारिश नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई करप्शन नहीं, उसको नौकरी देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिले के चुनाव परिणामों की संभावना के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।